The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh Provincial Assemblies. It is important to mention here that neither the PTI nor any candidate affiliated with PTI approached either this court before or during the hearing of these proceedings or the High Court to challenge the decision of the ECP. The Sunni Ittehad Council did not contest the general elections, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats. 13 रुकनी फुल कोर्ट था, 8-5 की अक्सरियत से ये फैसला आया है, लेकिन इस फैसले का मतलब क्या है? क्योंकि वो जो पूरा डिसीजन था उसको सिर्फ थ्रू करके इसके जो चीदा चीदा नकात है हमने आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहले तो फुल कोर्ट कह रहा है, उसके मुतफिका फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बल्ले वाले इंतखाबी निशान के फैसले की गलत तशरीह की गई है। 13 के 13 जजेस का इस बात पे इत्तफाक है। उसके बाद फुल कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने पिशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलदम करार दिया। फुल कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया। 8 जजों की अक्सरियत ने हुक्मनामे में लफ्ज इस्तेमाल किया है पिक्यूलियर सर्कमस्टांसिस, इसका जिक्र किया है। इससे जाहिर होता है कि अक्सरियती जजेस आम इंतखाबात 2024 पर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। इस फैसले से एक और बात भी जाहिर होती है कि अक्सरियती जजों ने मुलाजमत में 3 साल की मुद्दत में तौसीह की हुकूमती पेशकश को मुस्तरद भी कर दिया है और उन्होंने आईनी तरमीम के जरिए किसी अदालती पैकेज का दरवाजा बंद कर दिया है। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, इसके बारे में हुकूमती मुशीर और वजीर कहते रहे हैं कि ये डिस्कस हुआ है। इसके बाद अब कौमी असेंबली में पार्टी पोजिशन बनी क्या है, आपको क्विकली दिखाएं। ये टेबल है, ये रिकन्फिगर हुआ है। तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पे 115 नशिस्तों पर चली जाएगी, नून लीग 108 पर, पीपल्स पार्टी 68 पर, एमक्यूएम की 21, जेओआई की 8 नशिस्तें होंगी, काफ लीग की 5 होंगी, आईपीपी की 4 होंगी, जिया लीग के पास 1 है और बाप पार्टी के पास 1 है। इसके बाद तहरीक इंसाफ टॉप ऑफ द टेबल पर आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हुकूमत कायम कर पाएंगे, क्योंकि वो नंबर उनके पास नहीं है जिससे हुकूमत बन सकती है। फिलहाल इस फैसले का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक वाजे चार्जशीट है। तमाम जजेस का इस पर इत्तफाक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन, जो जजमेंट थी बल्ले के निशान की, वो गलत थी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा साहब, जिन्होंने खुद ये जजमेंट दी, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। दोनों जजेस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के उम्मीदवारान को आजाद डिक्लेयर करने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। जस्टिस याया अफरीदी का जो नोट था वो बड़ा डैमनिंग था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ मेंबरान पीटीआई से वाबस्ता रहे हैं। पीटीआई के जिन उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट दिए हैं, इलेक्शन कमीशन उनको पीटीआई के उम्मीदवार डिक्लेयर करे। इलेक्शन कमीशन अभी तक, अगर हम आपको बताएं, तो अपने मौकफ पे डटा हुआ है। मुख्तलिफ वज़राए के हवाले से जो खबरें तमाम नेटवर्क्स पे चली हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का जो रद्द अमल है, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया कि 41 अरकान को आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमने कभी नहीं कहा कि पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है। पीटीआई सियासी जमात है और उनका नाम कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हर फोरम्स पर बरकरार रखा गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी, पीटीआई इलेक्शन कमीशन में फरीक थी, ना ही पिशावर हाई कोर्ट में उनको मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर। तहरीक इंसाफ कहती है चीफ इलेक्शन कमीशनर पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उनको मुस्ताफी भी होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए, या उनमें जुरत है तो दे शुड रिजाइन। जो शख्स या शख्सियात आईन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आईन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है,
उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हकूमती वुजरा ने आज मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वजीरे कानून आए, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर आए, उसके बाद हमने देखा कि मुशीर खास हैं जो वजीर आजम साहब के, राना सनाउल्ला साहब, वो आए और उन सब ने जो नुक्ते उठाए वो सारे टेक्निकल थे। सबसे पहला नुक्ता तो उनका ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है इन अ वे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि तहरीक इंसाफ जो रिलीफ मांगने नहीं भी की वो भी उनको दे दिया गया और ये आज भी लड़ लें। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, रिलीफ तरीके इंसाफ को दे दिया गया। आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने के बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें सारे नौ तहरीर किया गया। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज्यादा है और जो सोशल मीडिया पे डिबेट चल रही है या टेली स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है। एक आदमी जो है वो पहले हलफ ये देता है मैं आजाद इलेक्ट हुआ हूँ और मैं हल्फन इस जमात में शामिल हो गया हूँ, और अब 15 दिन बाद वो कहता है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मैं आजाद इलेक्ट नहीं हुआ था, मैं तो फलां जमात के ऊपर इलेक्ट हुआ था और पिछला बयान हल्फी जो है वो मैंने गलत दिया था। वो इलेक्शन कमीशन उस की पादाश में उसे डीसीट कर सकता है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि JUIF ने इस फैसले को तस्लीम किया, तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दी और एक तरीके से खैर सगाली का पैगाम देकर फ्यूचर में अगर कोई इत्तेहाद है या कोई इल्हाक है उसकी बुनियाद आज डाल दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशस्तों की तकसीम के बारे में फैसले के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। इस फैसले के नतीजे में PTI को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। लेकिन ये जो 15 दिन है इसके दरमियान क्या क्या कुछ हो सकता है, इस बात का थोड़ी सी झलक आज हमें फैसल वावड़ा साहब के बयान से और प्याजुल हसन चौहान साहब के इस बयान से होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन 15 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। अगर बरखिलाफ आ जाता है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिल गई, ये लिख ले के भाईजान एक डेढ़ महीने के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर आधे से ज्यादा मेंबर्स फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा।